अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं, बहुत दिन से आपने आपकी अदालत के फ्रेश एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो आज एक इतिहास रचा जाएगा और मैं खुश हूं आप सब इस नए इतिहास के गवाह होंगे। और आज आपकी अदालत में एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया का हर आदमी जानना चाहता है, एक ऐसा शख्स जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया, एक ऐसा शख्स जो कभी अपने बारे में बात नहीं करता। इसीलिए आज इतिहास बनेगा, पहली बार ये जनता के सामने आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। गौतम अडानी पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारी जज भी खास हैं, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हेड करती हैं जहां पर बिलियनर बनाए जाते हैं, जहां पर करोड़पति अरबपति बनाए जाते हैं। वर्ल्ड फेमस श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल डॉक्टर सिमरित कौर, मुकदमा शुरू करें इससे पहले डॉक्टर सिमरित कौर आपकी इजाजत चाहेंगे, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। बिल्कुल शुरू की जाए। तो इससे पहले कि मैं गौतम भाई आप पर इल्जाम लगाऊं, आपसे सवाल पूछूं, मैं जनता को बताना चाहता हूं गौतम अडानी के बारे में। दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट लोगों में से एक, एशिया के सबसे अमीर गौतम अडानी की कहानी एक फिल्म के स्क्रीन प्ले जैसी है। एक साधारण चौल से अपनी लाइफ को शुरू करने वाले गौतम अडानी ने वेल्थ के मामले में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी दुनिया के बिजिएस्ट डील मेकर हैं। इस साल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेल्थ इन्होंने कमाई। गौतम अडानी ने एक साधारण डायमंड ट्रेडर के तौर पर कारोबार शुरू किया था। आज पोर्ट्स, माइंस, पावर, सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट, हाउसिंग से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जहां गौतम अडानी ने अपनी सफलता का झंडा न गाड़ा हो। अपनी मेहनत और लगन के बल पर गौतम अडानी किंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। गौतम अडानी साधारण परिवार में जन्मे एक स्मॉल टाउन प्रोडक्ट थी, पर आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन्हें उद्योग लगाने के लिए इनवाइट करते हैं। पर गौतम अडानी के लिए उनका अपना परिवार ही उनकी दुनिया है, जहां सब मिलकर रहते और काम करते हैं। गौतम अडानी एक प्राइवेट पर्सन हैं, पब्लिसिटी से दूर रहते हैं। आज जिंदगी में पहली बार गौतम अडानी जनता के सामने जनता के सवालों के जवाब देंगे, आपकी अदालत में। आपकी अदालत में पहला इल्जाम, जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी। आपकी अदालत में सबसे चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी पर इल्जाम है कि इन्होंने पैसा कमाने का फॉर्म्यूला छुपा कर रखा है। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता है ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। मैं कई दिन से रिसर्च कर रहा हूं कि भाई आपकी वेल्थ कितनी है, हर रोज बढ़ जाती है, और लगता है जब तक आपकी अदालत खत्म होगा आप 1000-2000 करोड़ रुपए और बढ़ा देंगे उसमें। तो
फॉर्मूला क्या है, कैसे कमाते हैं? रजत भाई, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का, आपकी अदालत में आपने मौका दिया तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने ये फॉर्मूला की बात किया, तो ये फॉर्मूला ये कोई मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स की कोई फार्मूला है नहीं, क्योंकि जिसके बेसिस के ऊपर बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फार्मूला काम आती है, और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मैं देखता हूँ कि मेरे में मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे सीनियर लोगों का सपोर्ट, मेरी टीम का सपोर्ट और सबसे ऊपर भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा मेरे पे रही है। मैं नियत से काम करता हूँ और मैं मानता हूँ कि ये यही वजह है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कोई भी सक्सेसफुल आदमी होने के लिए आप नियत और मेहनत और बाकी आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, और वही एक फॉर्मूला है। अब देखिए, ऊपर वाले पर भी कितना छोड़े गौतम भाई, दिसंबर 2021 में आपकी वेल्थ थी 9,62,322 करोड़, दिसंबर 2022 में साल भर में 18,64,579 करोड़। एक साल में 9,00,000 करोड़ रुपए ऊपर वाला कितना दे रहा है? शेर रजत भाई, मैं तो ये आंकड़े की माया जाल में नहीं पड़ता हूँ। मेरे लिए मेजर बात वो है कि मैं देश के बदलाव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसे देखने जाओ कि आंकड़े क्यों बढ़े हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि देश पूरा एक तरक्की के मार्ग के ऊपर जा रहा है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत की जो आज पोजीशन है और जो आने वाले 20 से 30 साल में जो पोजीशन होगी, वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, जो फिगर्स हैं ना, थोड़े आश्चर्य में डालने वाले हैं। आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, हर घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है। तो ये जो कमाने की आदत है, बचपन से थी या जवानी में शौक आया? देखो रजत जी, मैंने आपको वो भी बोला है कि मैं आंकड़ों के पीछे और उसके पीछे मैं कभी भागा नहीं हूँ। मैं 15 साल का था, 10वीं कक्षा पास करके ऐसे फैमिली के ऐसे संजोग बने कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं मुंबई के लिए निकल पड़ा। वो सफ़र 4 साल का रहा और उसके बाद मैं वापस अहमदाबाद आया। बॉम्बे ने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई, हार्ड वर्क कैसे करना है सिखाया, और उसके बाद में ये मेरी बिजनेस की जर्नी चालू हुई। मिडिल क्लास फैमिली थी, बिजनेस की फैमिली थी, बिजनेस में आए थे और एक जुस्सा था, 15 साल का, 19 साल का लड़का, और उसमें मेरे फैमिली के बिजनेस के अलावा मेरे को कुछ और करने की एक अंदर से एक प्रबल इच्छा थी। मेरी फैमिली ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया और उसके बेसिस के मैं आगे निकला। मूडी बहुत कम थी, वो मूडी के अंदर मेरे को आगे चलाना था। मुश्किलियाँ काफ़ी थी, काफ़ी लोग एस्टेब्लिश थे, लेकिन मैं देखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अलग अलग टाइम में कई लोगों ने मेरे को, मेरी सफलता पाने के लिए मेरे को सपोर्ट किया है। और मैं आज देखता हूँ कि आज जो भी हूँ वो उसकी वजह से हूँ। पढ़ाई में आपके दोस्त मुझे बताते हैं आप काफ़ी तेज थे, लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, मैं पढ़ाई में होशियार था। मैं इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट रखा था, मैथ्स में भी अच्छा था, पर ऐसे संजोग आए कि मैंने बोला कि पढ़ाई को बाद में देखेंगे, और मैं बिजनेस के रास्ते में चला गया।
अब गौतम भाई आपके चक्कर में बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ देंगे कि पढ़ाई छोड़ने से पैसा बनता है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई आदमी को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। मैं वो रास्ता चुन नहीं पा, वो मेरी कम नसीबी है। मैंने एक दूसरा रास्ता ढूंढा और वो मेहनत और एक्सपीरियंस का था, और वो मेहनत और एक्सपीरियंस से मेरा विजडम बढ़ाया। और मैं कभी कभी शांति से सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई और नॉलेज होता और उसके साथ में मेरा ये एक्सपीरियंस और विजडम होता तो मेरे को लगता है कि शायद मैं आज का गौतम अदानी से भी बेहतर हो सकता था। तो आप 10-12 साल पहले नंबर वन बन गए। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, वो तो ठीक है, एक कहानी है। लेकिन कहानी तो ये भी है ना, आपके पास एक स्कूटर था और आज आपके पास में जेट एयरक्राफ्ट का, हेलीकॉप्टर्स का एक फ्लीट है। कहाँ से कहाँ आ गए? रजत भाई, इतना बता सकता हूँ कि मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और आज भी मेरे को स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा में जाने वाला, बस में जाने वाला या जेट में जाने वाला, वो सब हर आदमी की मानसिकता क्या होती है उसका मेरे को पूरा अंदाज है, क्योंकि मैं वो जर्नी से पास किया हुआ आदमी हूँ। तो मेरे को आज मैं कहाँ पे हूँ, मैं कोई जेट में जा रहा हूँ, तो उसका मतलब वो नहीं है कि मैं ज़मीन से मेरा पग जुड़ा हुआ नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक मजाक चलता है कि मुकेश अंबानी ने अगर 500 मिलियन अपने घर बनाने में इन्वेस्ट नहीं किए होते, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते, तो आज वो शायद दुनिया के नंबर वन हो जाते। देखो, सोशल मीडिया में रजत भाई ऐसा है कि काफ़ी क्रिएटिविटी चलती है, लोगों को उसको एंटरटेनमेंट भी मिलता है। मैं उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन देखिए ना, एक जमाने में लोग बात करते थे टाटा बिरला, अब सिर्फ बात होती है अडानी अंबानी। देखो, टाटा बिरला अपने देश के बहुत सम्मानीय उद्योग गुरु है। उन्होंने देश के लिए और देश को बनाने के लिए काफ़ी कुछ किया हुआ है और आज भी कर रहा है। तो हर ग्रुप का एक आगे पीछे आता है, और मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ऐसी है कि हम कितने और नए नए उद्योग गुरु को खड़ा किया जाए, और वही पूरी अपने भारत की ताकत है। आपने पैसा कमाया, बड़े बने, तो इसमें खतरे भी कुछ ज़्यादा होते हैं? कोई भी बिजनेस कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, वो रिस्क लेने की आपकी खुद की क्षमता कितनी है। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आज जो जिस जगह पे हूँ और मेरे को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, पर आपके दिल में एक परसिवियरेंस होना चाहिए कि हर मुश्किलें आएगी, हर अच्छा वक्त आएगा, हर बुरा वक्त आएगा, आप उसमें किस तरह से अड़क हो गए रहते हो और उसके फिर भी आप मुकाम को आगे लेके जाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो। अब आपकी एक दो मुश्किलों की बात करना चाहता हूँ। एक वक्त में आपको किडनैप कर लिया था और जान पर बनाई थी। देखो, वो बहुत अच्छा बनाव नहीं था, पर हर कोई के लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे बनाव बन जाते हैं जिसको भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, वही अच्छा होता है। मैंने सोचा आप कभी भूलेंगे नहीं, कभी वो मिलेगा तो उसको ठीक कर देंगे। मेरा एक स्वभाव है कि हर चीज़ को, हर परिस्थिति को कैसे जल्दी से जल्दी एडप्ट कर लूँ, क्योंकि जो अपने हाथ में नहीं है और उसकी ज़्यादा बहुत चिंता करके वो उसको कंटिन्यूसली अपने माइंड में रखना, वो मेरी आदत नहीं है। जिस दिन मेरा किडनैप हुआ था, मेरे को दूसरे दिन किडनैपर ने छोड़ा, मैं आज वो बता सकता हूँ कि वो दिन शाम रात को भी मैं अच्छी तरह से सोया था, तो मेरे को कभी वो प्रेशर नहीं आया था। एक बार और आपने मौत का सामना किया 26/11 के दिन, जब आतंकवादियों ने हमला किया ताज पे, आप ताज होटल में थे, वो याद है?
पूरा याद है। और मेरे सामने ही मैंने टेररिस्ट को देखा था और उन्होंने पहला जब राउंड फायर किया था वो मेरी आंख से मैंने देखा था। और मैं तो ये भगवान का शुक्र गुजार हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसे दो हिस्से देखे कि जहाँ मैंने मौत बहुत नज़दीक से देखा था। और ये भगवान का एक आशीर्वाद समझो कि जिसमें से मेरे को बाल बाल बचाया था। 26/11 की वो रात पूरे देश ने देखी थी और आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। आपने तो बहुत करीब से देखा। नहीं, वो दिन में ताज होटल के अंदर हमारे दुबई से फ्रेंड आए थे, वो दुबई पॉट वर्ल्ड के सीईओ, उनके साथ में डिनर कर रहा था मसाला क्राफ्ट रेस्टोरेंट में और तब ये हादसा हुआ था। 10 बजे करीब ये हादसा हुआ, उसके 5 मिनट पहले होटल का बिल भी पेड कर दिया, हम खड़े हो गए और हमारे फ्रेंड की और इच्छा डिस्कशन करनी थी तो वापस कॉफ़ी पीने के लिए वापस बैठे और वही टाइम पे ये हादसा हुआ। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि समझो बिल पे करके मैं लॉबी में होता तो शायद मैं वहाँ पे फंस जाता। और वहाँ बैठ गए तो हम रेस्टोरेंट के अंदर थे। और मैं आज बोल सकता हूँ कि जो ताज ग्रुप के हर कर्मचारी ने, इवन वेटर, और जिस तरह से उन्होंने काम किया था, ऐसा डेडिकेशन बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई दिया। छूटे कैसे वहाँ से? पूरी रात में वहाँ फंसा था। उस ताज होटल के कर्मचारियों ने मेरे को ऊपर के कमरे में, उनके पीछे के रास्ते से किचन के साइड से ऊपर चैम्बर में लेके गए थे। पूरी रात वहाँ पे था। सुबह में करीब 7 बजे जब कमांडो आए और उनको मालूम था कि यहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, तो ये कमांडो ने वहाँ से हमको पूरा प्रोटेक्शन देके होटल से बाहर निकाला था। और ऐसे दूसरे दिन सुबह में करीब 7:30-8 बजे में निकला था। बहुत भाई, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, जीवन में ऐसा कभी फिर देखने को नहीं मिले, ये हमारी दुआ है। लेकिन मेरे एग्जाम बहुत सारे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।